रिसेंटली टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी में ज्यादा बैटरी वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम नेक्सॉन ईवी मैक्स रखा गया है। नेक्सॉन ईवी मैक्स की प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी गई है एंड ऑब्वियसली ये एक गेम चेंजर ईवी होने वाली है। बट स्टिल हर किसी कार के कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम न्यू नेक्सॉन ईवी मैक्स के 7 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स बताने वाले हैं, जिससे अगर आप न्यू नेक्सॉन ईवी मैक्स लेने का सोच रहे हो तो आपको अपने बाइंग डिसीजन में हेल्प होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज यानी कि पॉजिटिव्स की। फर्स्ट, रेंज। नेक्सॉन ईवी मैक्स की क्लेम रेंज 437 किलोमीटर है, जो कि उससे 800,000 महंगी MG ZS ईवी से ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज है। एंड रियल लाइफ में भी आप नेक्सॉन ईवी मैक्स से आप इजीली 320 से 350 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इसकी प्राइस 17.7 लाख के प्राइस के हिसाब से वर्थ है। 300 प्लस किलोमीटर रेंज देने वाली बाकी सब ईवी कार्स 25 लाख से भी महंगी आती है। एंड 300 प्लस किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज प्रैक्टिकल भी है, जिससे आप इंटरसिटी ट्रैवल भी कर सकते हो। सो नेक्सॉन ईवी मैक्स की रेंज उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड, फीचर्स। जैसे हमने बताया, नेक्सॉन ईवी मैक्स का डायरेक्ट कोई कंपटीशन है ही नहीं, एंड फिर भी नेक्सॉन ईवी में जो जो फीचर्स मिसिंग था वो टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी मैक्स में दे दिया है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, एयर प्योरीफायर, ऑटो डिमिंग IRVM, ओल्ड डिस्क ब्रेक्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स। सो जिन लोगों को पुराने नेक्सॉन ईवी में फीचर्स के कंप्लेन थे वो अब नहीं रहेंगे, बिकॉज नेक्सॉन ईवी मैक्स में ऑलमोस्ट सारे यूजफुल मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। थर्ड, फास्ट चार्जिंग। नेक्सॉन ईवी मैक्स में अब ऐसी फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी दिया गया है, जो आप कार बाय करते वक्त एक्स्ट्रा मनी देके ले सकते हो, जिससे आप घर पर भी नेक्सॉन ईवी मैक्स को फास्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आप 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर के साथ कार बाय करते हो तो आप उसे 0 से 100% सिर्फ 6.5 आवर्स में चार्ज कर सकते हो। एंड न्यू नेक्सॉन ईवी मैक्स DC फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करती है, जो कई सारे टाटा पावर्स के स्टेशन पर अवेलेबल भी है, जिसमें सिर्फ 56 मिनट में 0 से 80% चार्ज हो सकता है। सो फास्ट चार्जिंग भी नेक्सॉन ईवी मैक्स के लिए बिग पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ, सेफ्टी। नेक्सॉन ईवी मैक्स नेक्सॉन पे ही बेस्ड कार है, एंड सबको पता ही होगा कि नॉर्मल नेक्सॉन एक 5-स्टार रेटेड कार है, बट नेक्सॉन ईवी मैक्स में फिर भी और सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए हैं जो पहले नेक्सॉन ईवी में नहीं आते थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 4 डिस्क ब्रेक्स, हिल असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। फिफ्थ, रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल में से इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट होने का मेन रीजन होता है रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं, वैसे जिन लोगों की डेली ड्राइविंग बहुत ज्यादा है उनको पेट्रोल कार चलानी बहुत कॉस्टली होती है। सो ये चीज की टेंशन आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में नहीं होगी, बिकॉज नेक्सॉन ईवी मैक्स में पर किलोमीटर कॉस्ट 1.5 रुपीज से भी कम होगा। सो अगर आपकी डेली ड्राइविंग 100 किलोमीटर है तो 3-4 साल में ही आपका पेट्रोल यानी इलेक्ट्रिक कार के बीच का प्राइस डिफरेंस रिकवर हो जाएगा। एंड जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ेंगे, ये डिफरेंस और जल्दी रिकवर हो सकता है। सो जिनकी डेली ड्राइविंग 50 किलोमीटर से ज्यादा है, उनके लिए नेक्सॉन ईवी मैक्स बेस्ट चॉइस रह सकती है। एंड इलेक्ट्रिक कार में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, जिससे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी पेट्रोल कार से बहुत कम होता है। एंड बैटरी पे टाटा मोटर्स 8 साल की वारंटी दे रहे हैं, सो बैटरी का भी इश्यू नहीं होगा। सिक्स्थ, परफॉर्मेंस। नेक्सॉन ईवी मैक्स में 143 PS का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क मिलता है। ये नंबर सुन के ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे होंगे, आई नो, बट इलेक्ट्रिक कार में आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। मींस एक्सेलेरेटर टैप करते ही आपको 250 Nm का टॉर्क एक साथ डिलीवर हो जाएगा। मींस इजी लैंग्वेज में कहें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको जो पिकअप मिलेगा वो इस प्राइस की रेंज में कोई पेट्रोल एंड डीजल कार नहीं दे पाएगी। एंड इलेक्ट्रिक कार्स में कोई रिफाइनमेंट या NVH लेवल का प्रॉब्लम नहीं होता है, सो आपको एकदम साइलेंट केबिन मिलेगा। सेवंथ, राइड क्वालिटी। टाटा नेक्सॉन ऑलवेज एक कंफर्टेबल एंड अच्छी हैंडलिंग वाली सब 4 मीटर SUV रही है, एंड जैसे कि नेक्सॉन ईवी मैक्स वही सेम कार है, सो इसमें भी आपको बढ़िया हैंडलिंग एंड स्टेयरिंग फीडबैक मिलेगा। एंड नेक्सॉन ईवी मैक्स की सीट्स भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, एंड नेक्सॉन के सस्पेंशन सेटअप भी ज्यादा स्टिफ नहीं है। सो ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड कम्फर्ट लेवल आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में बेस्ट मिलेगा। तो ये थे टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, मिसिंग फीचर्स। हाँ, हमने फीचर्स को पॉजिटिव्स में भी बताया था, एंड नेक्सॉन ईवी मैक्स में ओल्ड नेक्सॉन के कंपेयर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स ऐड किए गए हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 18 लाख की कार में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो नेक्सॉन ईवी मैक्स में नहीं है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन एंड LED लाइट्स। अगर टाटा मोटर्स एक और एक्स्ट्रा वेरियंट एड करके 1 लाख प्राइस ज्यादा रख के ये फीचर्स टॉप वेरियंट में भी एड कर देते तो भी चलता, बट ये कुछ फीचर्स नेक्सॉन ईवी मैक्स में मिसिंग है। सेकेंड, ओनली ड्यूअल एयरबैग्स।
नेक्सॉन ईवी मैक्स एक सेफ कार है, नो डाउट, बिकॉज नेक्सॉन ईवी मैक्स 5 स्टार रेटेड कार पे बेस्ड है। बट ऑलमोस्ट 18 लाख के प्राइस पॉइंट पे अभी नेक्सॉन ईवी मैक्स में 2 एयरबैग्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे आजकल 8 लाख वाली कार में भी 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। 18 से 20 लाख के प्राइस रेंज में तो लोग 6 एयरबैग्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, 6 नहीं तो 4 ही सही, बट ये प्राइस पे 2 एयरबैग तो एक तरह से कॉस्ट कटिंग ही है। थर्ड, रियर डिजाइन। डिजाइन सबकी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को कोई डिजाइन अच्छी लगती है, किसी को नहीं। फिर भी टाटा नेक्सॉन का फ्रंट या साइड लुक ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता ही है, बट रियर डिजाइन 10 में से 8% को सही नहीं लगता। किसी को भी पूछ लो, सब कहेंगे कि नेक्सॉन का रियर लुक बेकार है। एंड मैंने कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिसने सिर्फ अगली रियर डिजाइन के कारण नेक्सॉन को रिजेक्ट किया है। सो टाटा के पास मौका था नेक्सॉन ईवी मैक्स में रियर इम्प्रूव करने का, बट अब भी नेक्सॉन ईवी मैक्स में सेम रियर डिजाइन आता है जो उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये थे न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में 7 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स। अगर इसके सिवा भी आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज लगती है नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।